हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इंडक्शन को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडक्शन के प्लग है, उसे आप स्विच बोर्ड में लगा लें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लाइट आ चुकी है। यहाँ पर आपका स्विच ऑन ऑफ की बटन है, जिससे आप इंडक्शन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अभी इंडक्शन है वो ऑफ मोड में है, मैं इसे आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑन हो गया है। अभी तक मैंने इंडक्शन में कोई बर्तन को नहीं डाला है, यानी यूटेंसिल्स को नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है ईओ मीन्स एरर। तो चलिए अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। और सबसे पहले मैं ऑफ करने के बाद आपको इसके फंक्शंस को बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोसा एंड चपाती लिखा हुआ है, तो इसमें आप रोटी और डोसा बना सकते हैं इस मोड में। उसके बाद है टाइमर, इसमें आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। जैसे आप मिल्क बॉयल करने के लिए डाला है, तो उसमें आप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ये सब जो भी रहती है टाइमिंग, उसको आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जाएंगे तो 1100, 1200 इस तरीके से दिया हुआ रहता है, तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है करी, इसमें आप करी बना सकते हैं या दाल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इडली, इसमें भी टाइम दिया हुआ रहता है। डीप फ्राई में आप सब्जी बना सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, घटा बढ़ा सकते हैं माइनस प्लस बटन से। उसके बाद है हीट मिल्क, यहाँ पर आप हीट मिल्क में टीवी बना सकते हैं और मिल्क भी हीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप वार्म, इसमें आप टी बना सकते हैं, मिल्क भी बॉयल कर सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सौते, जिसे तलने के लिए यूज किया जाता है, जैसे पकौड़ी, फिश, कुछ भी आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। यह है प्लस बटन, यह है माइनस बटन, जिससे आप टेम्परेचर को घटा और बढ़ा सकते हैं। और चलिए मैं आगे के प्रोसेस बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से बर्तन यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके के बर्तन है यूज कर सकते हैं जिसका बेस है वो इक्वल में हो, और अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो इंडक्शन बेस ही होना चाहिए। देखिए इसमें कैसा दिया हुआ है इसका बेस में। इस प्रेशर कुकर को आप गैस में भी यूज कर सकते हैं, बट ये मेनली इंडक्शन के लिए बना हुआ है। इसमें आप लोहे की बर्तन यूज कर सकते हैं, लोहे और स्टील की बर्तन है वो अच्छे से वर्क करती है, बट इसमें जो एल्युमिनियम की बर्तन होती है वो नहीं यूज होता है, वह वर्क नहीं करेगा इसमें। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि कौन कौन से बर्तन इसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बर्तन यूज करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक है, वो आ गया है प्रेशर कुकर में, तो इसे हीट मिल्क में करना है। हीट मिल्क में करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें टाइमर है वो सेट हो चुका है, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं प्लस माइनस बटन से, जितना में भी करना है आप कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने इसे हटाया तो यहाँ पर एरर लिखा। उसके बाद देखिए प्रेशर कुकर में भी मैं पानी ही डालकर दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने हीट मिल्क में किया था, तो यहाँ पर भी आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि स्टील की बर्तन है वो कैसे यूज हुई, और प्रेशर कुकर है उसका भी आपने देख लिया। तो चलिए मैं आपको एल्युमिनियम के बर्तन इस पर चढ़ाकर दिखाती हूँ। तो देखिए ये है एल्युमिनियम के बर्तन, इस तरीके के बर्तन आप चढ़ाएंगे इंडक्शन में तो यह वर्क नहीं करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईओ मीन्स एरर लिख रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि नन स्टिक जो बर्तन रहते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं, वो सभी बर्तन इंडक्शन में काम नहीं करते हैं। नन स्टिक जो बर्तन है वह इंडक्शन बेस नहीं रहा, जिसमें इस तरीके के डॉट डॉट नहीं रहे, तो वह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंडक्शन यूज करते हैं और आप यूटेंसिल्स खरीदते हैं, आप इंडक्शन बेस्ड खरीदें, ताकि आप इंडक्शन में भी उसे यूज कर सके और गैस में भी यूज कर सके। आप इंडक्शन यूज करने से पहले इसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, और आप इसे अच्छे से यूज करें। जैसे कोई भी बर्तन है, गर्म बर्तन, उसे इसके कंट्रोल पैनल में आपको नहीं रखना है, नहीं सटाना है। और एक चीज़, जैसे आपने कोई भी वीडियोज या एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें दिखाता है, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि इंडक्शन के बारे में दिखाया जाता है, तो इसके ख़रीदने के लिए जो एडवर्टाइज रहते हैं, तो उसमें कि आपने इसे हाथ से टच किया, तो आप
एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे चाय गिर जाती है या पानी गिर जाती है इस पर, जैसे यहाँ पर देख लीजिए पानी गिरा हुआ है, तो इसे आप हैंड से क्लीन कर सकते हैं, बट आप ट्राई ऐसा नहीं करें, आप कोशिश करें कि कोई भी टिश्यू पेपर से या कोई भी कॉटन क्लोथ से ही करें। बट जो इसका प्लेट है, हॉट प्लेट, वहाँ पर आपको टच नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और कोई भी गर्म बर्तन को कंट्रोल पैनल में नहीं रखना है। ये दो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ज़रूरत पड़े तभी आप इसको क्लीन करें, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और जैसे इंडक्शन में कहीं पर कट है या जो भी है, क्रैक है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर टच नहीं करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडक्शन है वो हल्का क्रैक हो चुका है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी कोई भी पार्ट को टच नहीं करना है। आप इसे ऑफ़ कर दें तभी आप टच करें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट इंडक्शन को प्लग से ऑफ़ नहीं करनी है, आपको स्विच ऑफ बटन से, ऑन ऑफ वाली जो बटन है उसमें ऑफ बटन से प्रेस करनी है, और जब तक इसके फ़ैन है वो बंद नहीं हो तब तक आप बोर्ड से ऑफ़ नहीं करें, मेन स्विच से ऑफ़ नहीं करें। सपोज़ लाइट कट जाती है उसकी बात अलग है, ऐसे में होता है कि इसका जो फ़ैन रहता है, मोटर रहता है, वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंडक्शन को कैसे यूज करना है, कौन कौन से बर्तन यूज करने हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।